So, हम देखते हैं बोरुटो के चैप्टर 63 में कोड बोलता है, अगर यूजर को कर्मासिल के ऊपर फुल मास्टरी मिल गया तो यूजर फुल पावर एबिलिटीज इंस्टिंक्ट और एक्सपीरियंस यूज कर पाएगा ओत्सुत्सुकी का। और जब चिकन फाइट करता है नारुतो और सास्के और कासिन कोजी से तो वो यूज कर पाता है इशिकी ओत्सुत्सुकी का दोजुत्सु को। और मुझे लगता है कि किशिमोटो सेंसेई कवाकी को ये दोजुत्सु इसलिए देगा क्योंकि अनलाइक चिकन कवाकी एक परफेक्ट वेसल होता है इशिकी का। और जब मोमोशिकी बोरुटो पे कर्मा लगाता है तब बोरुटो अवेक करता है मोमोशिकी का एक्टिवेटेड ब्याकुगान को। और जब मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी पे टेक ओवर करता है तब ब्याकुगान खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि जिकेन एक परफेक्ट होस्ट नहीं होता जो कर्मासिल का पावर को फुल्ली यूज नहीं कर पाता पर वो दोजुत्सु का एबिलिटीज को यूज कर पाता है जहां उसका दोजुत्सु मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। और मुझे लगता है कि क्योंकि कवाकी का बॉडी एक परफेक्ट होस्ट होता है इशिकी के पावर के लिए तो मेरे हिसाब से कवाकी इसलिए भी इशिकी का दोजुत्सु को मैनिफेस्ट कर पाता है। और इस दोजुत्सु का एबिलिटी यह है कि यह किसी भी चीजों को एक डायमेंशन में भेज देता है जहां टाइम फ्लो नहीं होता है और वो चीजों को स्टोर करके रखता है सेम कंडीशन में ही, जहां वो इन चीजों को वापस समन भी कर सकता है। और इसका समनिंग स्पीड इतना फास्ट होता है कि सास्के उसके सरिंगान से भी उन चीजों को ट्रैक नहीं कर पाता और नारुतो भी उसका सेज ऑफ सिक्स पाथ के हेल्प से उन चीजों को सेंस नहीं कर पाता जहां वो उन ऑब्जेक्ट से जैसे तैसे बचता है। और काशिन कोजी एक परफेक्ट सेज होने के बाद भी उन क्यूब्स को सेंस नहीं कर पाता जो उस डायमेंशन से संबंध होता है। और एक चीज हम नोट करें तो कवाकी एक परफेक्ट वेसल है जहां कवाकी 80% पावर को मास्टर कर लेता है और यहां एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कवाकी इस दोजुत्सु का एबिलिटीज को वैसे ही यूज कर पाएगा जैसे इशिकी यूज कर पाता है। और इस दोजुत्सु के हेल्प से यूजर क्यूब्स को भी समन कर पाता है दूसरे डायमेंशन से जो कि बहुत ब्रोकन होता है क्योंकि यह क्यूब सेंसरी एबिलिटीज को डिस्टर्ब कर देता है जहां नारुतो किसी को भी सेंस नहीं कर पाता जब वो उन क्यूब्स के बीच में होता है। और जब वो क्यूब्स ड्रॉप होता है तब नारुतो लॉस्ट हो जाता है कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है। और ये क्यूब्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जब बोरुटो उसका कंप्रेस्ड रसिंगान यूज करता है तो उन क्यूब्स को थोड़ा भी डैमेज नहीं होता, जहां नारुतो उन क्यूब्स को बारियन मोड में ही होल्ड कर पाता है जो कि प्रोबेबली हम कवाकी को उसके नए दोजुत्सु से यूज करता देख सकते हैं। और एक लास्ट एबिलिटी इस दोजुत्सु का है सुकुना हिकुना जो इशिकी यूज कर सकता है जहां वो उसके बॉडी और किसी भी ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकता है।